सो वेलकम बैक गाइस, एक और फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा आठवीं का जो यहाँ पर अंग्रेजी का पेपर है पूरा हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। सो गाइस, आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि गाइस जो पेपर है आपका पूरा सॉल्यूशन सहित इस वीडियो में बताया जाएगा। जो अंग्रेजी का पेपर है पूरा हमारे पास आ चुका है। सो गाइस देख लीजिए, जो आपका पेपर है कुछ इस तरह का आया है। सो गाइस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि गाइस जो पेपर का सॉल्यूशन है, हम क्वेश्चन आंसरों का भी सॉल्यूशन इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा। सो गाइस आपके टोटल क्वेश्चन 24 आए हैं, देख लीजिए यहाँ पर 24 क्वेश्चन टोटल आए हैं, यहाँ पर 24 तक आपके टोटल क्वेश्चन आए। सो गाइस एक एक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे इस वीडियो में। सो गाइस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। सो गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो बाकी के सब्जेक्ट के पेपर बचे हैं वो भी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। सो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से पूरे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका विषय अंग्रेजी है वो सामान्य अंग्रेजी और आपकी हिंदी विशिष्ट रहती है। यहाँ पर डी सेट का पेपर है, यहाँ पर पूर्णांक 60 का, कुल प्रश्नों की संख्या 24 है। यहाँ पर कक्षा आठवीं परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की। यहाँ पर आपको अनुक्रमांक यानी रोल नंबर भरना होगा। यहाँ पर शाला का नाम, डाइस कोड, यहाँ पर परीक्षा केंद्र का नाम, यहाँ पर परीक्षा दिनांक, ये सब आप भर देंगे जानकारी पूरी। सो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस यहाँ पर आपको नोट से देखने को मिल जाता है कि यहाँ पर आपको ऑल क्वेश्चन जो है सॉल्व करना अनिवार्य रहता है। यहाँ पर जो चलिए यहाँ पर 1 से 10 तक दो आपके सही विकल्प टाइप के क्वेश्चन है। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड द जो पैसेज है इसे आपको पढ़ना है, जो ये पैसेज है इसे पढ़ेंगे। तो गाइस आपके जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इस पैसेज से, ये रहे आपके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं इस पैसेज से। सो गाइस जो पोस्टर से भी 5 क्वेश्चन आए हैं। सो गाइस चलिए यहाँ पर पहले पैसेज के देख लेते हैं। सो गाइस आप जल्दी से इस पैसेज को जो है भोला द फार्मर, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। सो गाइस देख लीजिए, ये रहे इसके क्वेश्चन। यहाँ पर गाइस इसी वीडियो में आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा, आपको जो है पैसेज में से नहीं ढूंढना होगा, यहीं पर हम इसी वीडियो में आपको सॉल्यूशन बता देंगे। चलिए गाइस पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पहले का जो राइट आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस चलिए हम आंसर में भर देते हैं, आपको भी इसी तरह भर देना है। यहाँ पर जो डी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस देख लीजिए, जो डी ऑप्शन है यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर आपको भर देना है डी ऑप्शन राइट आंसर। फिर गाइस आ जाता है आपका दूसरा बहुवाच भोला, जो भोला यहाँ पर हो जाएगा ए फार्मर, जो भोला कौन था यहाँ पर फार्मर था। सो गाइस यहाँ पर आपका हो जाएगा ए फार्मर। सो गाइस हम आपको आंसर में आपके आंसर लिखते चलते, आप जल्दी से देखते चलिए, आपको भी इसी तरह जो अच्छी हैंड राइटिंग से अपने पेपर में लिखना है। फिर गाइस तीसरा आ जाता है, तीसरे में आपका जो ऑल हिज फ्रेंड्स वांटेड टू, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो सी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो। चलिए हम आंसर में आपके आंसर लिखते चलते हैं, क्योंकि जो आपके पास टाइम है बहुत ही कम बचा है और इंग्लिश जल्दी से याद कर लीजिए। यहाँ पर गाइस आपको लिखकर भी सीखना है इंग्लिश को, क्योंकि गाइस अगर आप याद करके जाते हैं आप पे फिर लिखती नहीं बनती, इसलिए गाइस देख लीजिए। फिर चौथा है, जो है चौथा है यहाँ पर, चौथे का जो आंसर है, चलिए राइट आंसर आपको बताते चलते हैं, जो आपके आंसर में राइट आंसर लिखते चलते हैं। सो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर गाइस पाँचवा आ जाता है, पाँचवा में देख लीजिए पाँचवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, हम भर देते हैं यहाँ पर डी ऑप्शन, यहाँ पर गाइस देख लीजिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस हमने देख लीजिए, वो आपका आंसर है पूरा का पूरा भर दिया है। चलिए गाइस अब नेक्स्ट पेज पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज में जो है ये पोस्टर देखने को मिलने वाला है। सो गाइस ये पोस्टर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, क्योंकि गाइस जो पोस्टर है इसमें से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं। सो गाइस इसी में आपको सॉल्यूशन बन जाएगा, लेकिन गाइस हम ही आपको बता देते हैं सॉल्यूशन। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए छठवा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर छठवा देख लीजिए, छठवें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आंसर में भर देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर हमने लिख दिया है। सो गाइस आप जल्दी से इसे याद कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए जो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। फिर चलते हैं यहाँ पर सातवां में आपका हो जाएगा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी आपका ए ऑप्शन में दिया हुआ है। सो आपका महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए हमने आर लिख दिया महात्मा, यहाँ पर गांधी लिख देना है आपको। सो गाइस इसी तरह आपको भी लिख देना है। फिर गाइस यहाँ पर सातवां हो जाता है, आठवां देख लीजिए आपका, आठवां ये रहा, आठवें में आपका जो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर गाइस, चलिए यहाँ पर जो है आपके आंसर में लिख देते हैं। सो गाइस यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए हम बी ऑप्शन आपका लिख देते हैं। सो गाइस यहाँ पर आपको ध्यान से देखना, आपको भी इसी तरह जो है मीनिंग भी याद करके जाना है। सो गाइस देख लीजिए जो है आपका आंसर इसी में लिख देते हैं।
यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया हुआ है आपका जो है आठवीं का जो बी ऑप्शन दिया हुआ है बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर कुछ थोड़ी लॉन्ग है लेकिन गाइस लिख देते हैं, आपको भी इसी तरह लिख देना है। सो गाइस यहाँ तक आपकी पूरी पूरी लाइन भर जाएगी आपको, लेकिन गाइस जो है पूरा पूरा लिख देना है। सो गाइस देख लीजिए आपका बी ऑप्शन पूरा का पूरा हो जाएगा। सो गाइस देख लीजिए जो आपका बी ऑप्शन दिया हुआ है आठवें में बी ऑप्शन। सो गाइस यहाँ पर थ्रो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। सो गाइस आपका बी ऑप्शन राइट यहाँ पर देख लीजिए जो हमने लिख दिया है। सो गाइस आपको भी इसी तरह लिख देना है। फिर गाइस आ जाता है नौवें का आपका जो है देख लीजिए, आप जल्दी से नौवां देख लीजिए, आपका एक एक अंक वाले क्वेश्चन है, ये सभी आपके एक एक अंक वाले क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर नौवें का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यूज द यहाँ पर डस्टबिन हो जाएगा आपका राइट आंसर। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए जो कि हमने आंसर लिख दिया। सो गाइस आपको भी इसी तरह लिख देना है। वो गाइस फिर दसवां देख लेते हैं, दसवां में देख लीजिए स्वच्छ भारत मिशन है जो यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग कब से हुई। सो गाइस यहाँ पर जो है यहाँ पर लिख देना जो है इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर इंडिया। सो गाइस आपको भी इसी तरह लिख देना है, जो बी ऑप्शन में जो सी ऑप्शन में दिया होगा वही आपको लिख देना है। सो गाइस इस तरह आपके जो है 10 के 10 जो सही विकल्प है पूरे पूरे हो जाते हैं। चलिए गाइस अब जो है इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है, सो गाइस इन्हें के सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए गाइस यहाँ पर पूरे पूरे सॉल्यूशन दिखाने वाले हैं। सो गाइस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना। जो गाइस चलिए इनके लिख लेते हैं, हम सॉल्यूशन पूरे पूरे लिख कर आपको बता देते हैं। सो गाइस देख लीजिए जो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ से 11वां क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन पूरे पूरे हमने लिख लिए हैं। सो गाइस आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। सो गाइस जो है हमने पूरे पूरे आपके सॉल्यूशन कर दिए हैं। सो गाइस यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस जो सॉल्यूशन है पूरा पूरा हम इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। देख लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन है, आंसर है आपके यहाँ पर 3-3 अंक वाले क्वेश्चन है। सो गाइस यहाँ पर बहुत ही मेहनत लगी जो आपके सॉल्यूशन लाने में। सो गाइस जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन ग्यारहवां आपका 2 लाइन का आंसर हो जाएगा। सो गाइस जल्दी से आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से रट डालिए। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन आ जाता है, ये रहा आपका 12वां क्वेश्चन यहाँ पर जो है 3 नंबर का है। सो गाइस आपको यहाँ तक लिख देना है। फिर गाइस चलिए 13वां देख लेते हैं, 13वां देख लीजिए, ये रहा आपका 13वां क्वेश्चन। यहाँ पर 13वां क्वेश्चन का भी आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो 1.5 लाइन का आपका आंसर है। फिर गाइस आ जाता है 14वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर चेंज द वर्ब फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट में आपको जो है सिंपल पास्ट करना है। सो गाइस चलिए यहाँ पर देख लीजिए जो मोटिवेट है यहाँ पर ईडी लगा देना, आपको यहाँ पर ईडी लगा देना जो चार जो ये आपको दिए हुए हैं इसी में से आपको चारों में आपको ईडी लगा देना। चलिए गाइस यहाँ पर फिर आ जाता है 15वां देख लीजिए, यहाँ पर ये रहा आपका 15वां क्वेश्चन, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर भी साथ में है। सो गाइस जल्दी से आप इसी तरह आपको लिख देना पूरा पूरा आंसर। फिर गाइस आ जाता है 16वां क्वेश्चन, यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देख लीजिए 3 अंक का क्वेश्चन है। यहाँ पर गाइस यहाँ से आपका यहाँ तक राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आ जाता है आपका 17वां क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आपका 3 अंक का है। सो गाइस आपके जो है 11 से देख लीजिए 20 तक 3-3 अंक वाले क्वेश्चन है। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए जो आपका 17वां भी 3 अंक का है, यानी 20 तक आपके 3-3 अंक वाले क्वेश्चन है। आप जल्दी से फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, यहाँ पर गाइस देख लीजिए आपका है 18वां क्वेश्चन, ये रहा आपका 18वां क्वेश्चन, जल्दी से आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 18वां क्वेश्चन है आपका, ये रहा 18वां क्वेश्चन। फिर गाइस 19वां क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर देख लीजिए 19वां क्वेश्चन में आपको देख लीजिए तीन यहाँ पर जो है इसके विलोम लिखना है, हिंदी में विलोम होता है नहीं तो अपोजिट जो है इसके उल्टे लिखने होते हैं, अपोजिट यानी विलोम। सो गाइस यहाँ पर गिव का टैग हो जाएगा, यहाँ पर आप तीनों के तीनों आंसर देख लीजिए, फटाफट इसे याद कर लीजिए। फिर गाइस आ जाता है 20वां में फिल इन द ब्लैंक से आपके। सो गाइस चलिए यहाँ पर ए और द और एन आपको लिख देना, देख लीजिए पहले में ए लिख देना, दूसरे में द और तीसरे में एन। सो गाइस ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। 20 तक आपके 3-3 अंक वाले क्वेश्चन है। सो गाइस हमने पूरे पूरे करा दिए। अब गाइस आ जाते हैं आपके लॉन्ग यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सो गाइस 21 से 24 यानी 4 क्वेश्चन बचे हैं आपके बाकी। सो गाइस देख लीजिए 21वां क्वेश्चन देख लीजिए आपको अथवा में भी क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। सो गाइस जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो है इनके क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो रहे हैं। सो गाइस इनके जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। सो गाइस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए जो है यहाँ पर ये रहा आपका 23वां क्वेश्चन, जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 22वां क्वेश्चन यहाँ पर गाइस 10वां में भी है और ये रहा आपका 23वां क्वेश्चन, और ये रहा आपका 24वां क्वेश्चन। देख लीजिए 23वां क्वेश्चन में आपको क्या करना है, राइट ए लेटर लिखना है, योर फ्रेंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर
आपको लेटर लिखना अथवा दिया हुआ है एप्लीकेशन, आप दो में से एक कर सकते हैं। फिर गाइस जो है आपका 24वां क्वेश्चन भी देख लीजिए आप फटाक से। ये रहा आपका 24वां क्वेश्चन जो कि 5 अंक का है। वो गाइस 24वां का अथवा ये रहा गाइस 24वां का अथवा। सो गाइस जल्दी से फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रकार जो आपका पेपर है पूरा हो जाता है। सो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस जो पेपर है आपका पूरा का पूरा हमने करा दिया है। सो गाइस जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि गाइस जो सॉल्यूशन है वो भी हमने आपको पूरा बता दिया। सो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।